हेलो एवरीवन, IITN ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल ट्यूसडे के दिन मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखना है तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। पूरा वीडियो आप देखते नहीं हो, स्किप आप कर करके देखते हो तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती और फिर जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को एडजस्ट करके मॉडिफाइड करके, ठीक है, यहाँ वहाँ का ज्ञान पेल करके फिर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप पिल जाते हो और फिर बाद में दूसरों को गाली देते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। प्लीज़, अगर आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, कुछ सीरियस तरीके से काम करना चाहते हो, तो अपने आप के अंदर मैनर्स लेके आओ, ठीक है, और डिसिप्लिन बन जाओ। अदरवाइज आप बर्बाद हो जाओगे और उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है। आप अपनी गरबान के अंदर झांक के देखिए कि आप कहाँ पे हो। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज़, अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऑफिस है वो चेंज किया है, उसका जो रूम है वो चेंज किया है, पूरा भी सेट होगा। तो हो सकता है कि आपके पास इको थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा सेटअप अच्छे से हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। चार्ट आप देख रहे हो कि एकदम स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये दो कैंडल देखते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, मार्केट का समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट तो आपके सामने है और बाकी लोगों के भी सामने होगा, ठीक है। हर कोई एक अच्छे तरीके से चार्ट रीड कर सकता है, बट आपको साइकोलॉजी, चार्ट की बॉडी लैंग्वेज ये समझ में नहीं आती तब तक आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, सब लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनाया, और उस चार्ट पैटर्न के अंदर ये देख सकते हो कि यहाँ से एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग सॉरी डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न बना करके ये ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया था, ठीक है। और साथ में ही आप देखोगे कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है 2 बार, ये चीजें आप देख रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर ये कैंडल और ये कैंडल, दोनों कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पे और किस टाइप की बनी हुई है, ठीक है। अगर आप इनको देखते हो कि ये बहुत छोटी कैंडल है, ठीक है, इट मीन्स मार्केट एक रेंज के अंदर है, बहुत ही छोटी रेंज के अंदर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी मार्केट है, हाँ, हालांकि अपने को पता है कि 3 महीने के बाद का क्या व्यू है, एकदम बुलिश टोन है, उसके बाद में 1 साल का भी बुलिश टोन है, 2 साल का भी बुलिश टोन है, ठीक है, वॉट एवर इट इज। लेकिन अभी करंट के अंदर क्या सीन है, करंट के अंदर यह है कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है। आज की जो कैंडल ये आप देख सकते हो, तो ये एक यहाँ पे टॉप बना हुआ है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन वाला है, कल यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट इनडिसिजिव था, ठीक है। तो ये इनडिसिजिव जो नेस है, ये मार्केट के अंदर हो सकता है कि कोई एक डाउन साइड लेके आए या फिर हो सकता है एक अपसाइड लेके आए, दोनों ही चीजें होती हैं। अब देखना होगा कि अपसाइड के लिए कौन सा ट्रिगर होगा और डाउनसाइड के लिए कौन सा होगा। हाँ, कोई भी न्यूज़ नहीं आती है ना, तब भी मार्केट है क्या कर लेगा, उसको एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ही मान लेगा, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं आ रही, इट मीन्स मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, वो थोड़ा सा आ सकती है। मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से जो ये आप देख सकते हो कि एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक ये इस टाइप का एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और ये नीचे के अंदर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए हो सकता है कि इस टाइप का काम करे, ठीक है। अगर ये इस टाइप का काम करना चाहती है तो ये जो इनडिसिजिवनेस है ये नीचे के अंदर एक्टिवेट होगी और वापस मार्केट नीचे के अंदर आएगा और इस ट्रेंड लाइन के पास में आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जाकर के ये क्या कर रहा हो, यहाँ पे ऊपर के अंदर निकलने से पहले ये थोड़ा सा टाइम बिता रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है, तो यहां पे ये 2 से लेकर के 4 दिन तक रुकना चाहिए बस।
अगर इससे ज्यादा टाइम के लिए भी रुक रहा है तो इसका मीनिंग यह है कि इसके मन के अंदर कुछ और है, मन के अंदर खोट है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का रास्ता ये है, ना कि यहां पे। मार्केट के अंदर ये क्या दिखाता है, ये चीज दिखाता है एक ऊपर के अंदर जाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि मार्केट वहां पे लोगों को दे रहा है, क्या क्वांटिटी दे रहा है, शेयर दे रहा है, सब चीजों को दे रहा है, अपने आप को फ्री कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो चीज होती है, मार्केट नीचे में वापस आता है। अब ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर वापस घुसता है। आप मोटा मोटा आप ये वाला जो एरिया है 22,300 का, ठीक है, 22,300 का लेवल अगर नीचे में आ गया ना वापस से, तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा वापस यहां पे आके। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपको ध्यान रखना है। इनडिसिजनेस है मार्केट के अंदर, अब देखना होगा कि अपसाइड बनती है डाउनसाइड बनती है। कोई भी यहां पे ये नहीं बोल सकता कि यहां से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो बोल रही है, मैंने आपको बताया है कि ये इनडिसिजनेस है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड में भी जा सकता है और डाउनसाइड में भी जा सकता है। ट्रिगर कुछ भी नहीं आया, ठीक है, अगर देखो पॉजिटिव आया तो जाएगा ही जाएगा, नेगेटिव आया तो नीचे आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया ना तो ये फिर यहां से थोड़ा नीचे खिसक खिसक के थोड़ा आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 15 मिनट पे ले जाकर के मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हो पूरा दिन यहां पे ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद में ये वाली जो कैंडल है इस पे ओपनिंग दी और फिर पूरा दिन उसके ऊपर नहीं गया और एक रेंज बाउंड चला गया है मार्केट। ठीक है, अब रेंज आपके सामने है एकदम क्लियर, आपको ध्यान होना चाहिए कि इस रेंज का या तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि रेंज है वो काफी हो चुकी है, एक दिन की पूरी रेंज है। अब अगर इसको अपसाइड में जाना है तो बहुत अच्छी रेंज है, इसको यहां पे थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा और फिर ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड बनेगी, या फिर अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन देता है तो ये नीचे के अंदर ये वाली जो एरिया है, ठीक है, इनकी तरफ ये आने की कोशिश करेगा। मैं लेवल आपको बता देता हूं, ऊपर के अंदर 22,430, ठीक है, 22,430 का जो लेवल है वो यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और नीचे के अंदर मैं एक रेंज बता रहा हूं 22,385 का, ये एक रेंज है। ठीक है, ये क्या है, एक रेंज है। अब 22,430 का जो लेवल है, ये वाला जो यहां पे रेंज का हाई है, ठीक है, ये वाला है, अगर इसके ऊपर निकलता है रेंज बना करके, तो ऊपर के अंदर आपको 22,425, ठीक है, जो आज का हाई है लगभग, ये 22,000, ये वाला जो एरिया है 22,465 का, ठीक है, 22,465 ये पहला टारगेट होगा। और हो सकता है कि यहां पे जाकर के थोड़ा सा रिटर्न करे, लेकिन पुल बैक लेकर के या फिर 5 से 10 मिनट बिता करके इस 22,465 को ऊपर में निकालता है तो फिर 22,500, ठीक है, उस जोन में जाएगा। और फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो 22,500 के बाद में 22,550, 22,575 और 22,600 की जोन में जाने वाला है। तो ये चीज आपको ऊपर के अंदर देखने को मिलने वाली है। नीचे के अंदर हम बात कर लेते हैं, तो नीचे के अंदर सेम चीज आपको मिलने वाली है। मैं यहां पे एक बार नीचे में 22,385 का जो लेवल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, मैं अगर यहां से इसको हटा देता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक लास्ट के अंदर कैंडल बनी हुई थी, इनका लो है 22,385 के करीबन। तो 22,385 के नीचे अगर आता है मार्केट वापस से, ठीक है, तो 22,360 का जो लेवल है वो आएगा हमारा पहला टारगेट, और इसके नीचे आता है तो 22,315 का है वो हमारा सेकेंड टारगेट बन जाता है। अब 22,315 का सेकेंड टारगेट है ये वाला, ठीक है, ये जो रेंज बनी हुई है हमारी यहाँ पे, ये स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग के नीचे आता है तो सीधा ये वाला जो लेवल है हमारा 22,285, ये हमारा टारगेट बन जाता है फाइनल वाला। अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आए और उसके बाद में यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर में चला जाए, या फिर यहाँ पे आने के बाद में पुल बैक लेकर के ब्रेकडाउन दे सकता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा रेंज बना करके ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देखनी है कि बाइंग साइड के लिए जाना है या फिर सेल साइड में जाना है। ठीक है, अगर सेल साइड में जाता है तो 22,280 के नीचे चला गया मान लेते हैं, तो 22,250 और 22,220 के जो लेवल हैं वो आपको आते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है,
बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हो रखी है। आप बड़ा चार्ट देखोगे तो यहाँ पे इस चैनल को ये फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेव बनी थी इसका भी यहाँ पे 61.8 का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, डबल बॉटम क्रिएट करके गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, सभी का सपोर्ट था यहाँ पे, और हमने ट्रेड भी बोला था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऊपर में गया है, तो ये एक यहाँ पे चैनल क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इस चैनल के अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला जो ऊपर के अंदर ट्रेंड लाइन है, इसको ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये जो चैनल बना हुआ है, ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को ये हो सकता है कि इस टाइप से फॉलो करने की कोशिश करे और इस टाइप से ये ऊपर जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से काम कर सकता है। निफ्टी है वो बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन के अंदर है, और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पे चाल अच्छी वाली देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि फाइनली या इवेंचुअली जिसको आप बोल सकते हो, ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, उसकी तरफ जाने वाला है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है, तो 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल बनी थी 9:15 की, इस रेंज के अंदर ये काफी टाइम तक रहा, उसके बाद में निकलने की कोशिश की, वापस से यहाँ पे जो 10:45 वाली जो कैंडल है उसमें ये गिर गया, ठीक है। अब ये सॉरी ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे, आज 4 मार्च है, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल नहीं है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे करके चलते हैं, ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल, ये पहले की कैंडल थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, वो ऊपर में गया मार्केट, और फिर से एक सेल साइड का यहाँ पे कंडीशन बना। लेकिन कल अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रेंज बनी थी नीचे के अंदर, बार बार में ऊपर जाने के बाद में सपोर्ट ले रहा था, तो उसी एरिया के अंदर ये आज फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। हमारी जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग है या फिर जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस एक कोर्स है, उसके अंदर एक यहाँ पे स्ट्रेटजी है बहुत बेहतरीन, जो इंट्राडे का सेटअप होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बता देता है वो ऑलरेडी कि किस प्रकार से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं अगर आपको बताऊँ कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और प्रोफेशनल ट्रेडिंग दोनों कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको हर एक प्रकार की ट्रेडिंग है वो सीखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे 6 मार्च से है वो बैच शुरू होने वाला है, तो जाकर के आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है यहाँ पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड के ऊपर या फिर UPI ID के ऊपर हमें पेमेंट करोगे, साथ में स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और ये डिटेल सेंड करोगे, तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। 6 मार्च से बैच है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेवल आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ठीक है। ऊपर के अंदर रेंज है 47,525 का, ठीक है, क्योंकि ये एक 45,500 का जो लेवल होता है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है। नीचे के अंदर 47,385 का जो लेवल है, वो ये दोनों एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। अब इस रेंज के जिस भी साइड में निकलने की कोशिश करेगा, उस साइड में काफी अच्छा जाने वाला है। ऊपर के अंदर बात करें तो ये वाला जो एरिया है जो कि हाई भी है, ठीक है, अगर ये इस एरिया के ऊपर निकलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे ही ओपनिंग थी और यहाँ पे क्लोजिंग भी उधर ही करके गया है हाई लगा करके, ठीक है। तो ये अपर साइड का हो गया, और डाउन साइड के अंदर 47,385 का जो लेवल है, ठीक है, 47,385 का लेवल ये लास्ट वाली कैंडल है उसका लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं एक ये जोन क्रिएट कर दी है, अब इस जोन के अंदर ये ओपन होकर के ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो 47,525 के ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके ऊपर जाता है तो 47,625, 47,725, 47,825, ठीक है, ये हमारे टारगेट होंगे। और 47,825 के बाद में 48,000 और 48,075, ये दो बड़े हमारे टारगेट जो या फिर रेजिस्टेंस उनको बोल दो, ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस होने वाले हैं, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इस रेंज के नीचे वापस आता है, तो जो कि 47,385 का जो लेवल है उसके नीचे मान के चलते हैं, अगर 47,385 के नीचे आता है तो नीचे में यहाँ पे 47,285 का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ये स्विंग्स बने हुए हैं, 47,285 का लेवल हमारा यहाँ पे एक क्या बनने वाला है सपोर्ट, और इसके नीचे आता है अगर तो यहाँ पे हमारा 47,190 का जो लेवल है, ठीक है, 47,190 ये जो आज का लो क्रिएट हो रखा है, 47,190 का लेवल है वो एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अगर मान लेते हैं ये नीचे आता है इस जोन के, ठीक है, ये आज का जो लो क्रिएट कर रखा है इसके नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे आपको जो सपोर्ट के जैसे काम करने वाले हैं 47,075,
ठीक है। और 47,000 वाली जो जोन है वो एक सपोर्ट के जैसे काम करेगी, और ये ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे में 46,900, ठीक है, और 46,800 और 46,700, ठीक है, ये जो लेवल है वो हमारे सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाले हैं और दोनों के अंदर किस टाइप से आपको काम करना है। कन्फ्यूजन जोन में है यहाँ पे निफ्टी। हाँ, हो सकता है कि वहां पे एक दो दिन रुके, क्योंकि 2 से 4 दिन ब्रेकआउट के बाद में रुकना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। अगर रुकता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।